नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। शाहजहांपुर में नर्स की हत्या करने के आरोपी का शव संदिग्ध परिस्थिति में जनपद पीलीभीत में एक पेड़ पर लटका मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। उधर पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कर रही। दरअसल दो दिन पहले जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला चार खंबा स्थित पिज्जा हब रेस्टोरेंट में दुपट्टे से गला घोटकर एक युवती की हत्या कर दी गई थी। युवती शाहजहांपुर में नर्स थी। हत्या का आरोप पीलीभीत के थाना पुरनपुर क्षेत्र के पंडरिया गांव की रहने वाली शुभम शुक्ला पर लगा था, क्योंकि शुभम शुक्ला युवती को लेकर पिज्जा हब गया था और बाद में वहां से फरार हो गया। घटना के बाद मृतका के पिता ने गैंगरेप सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें शुभम शुक्ला मुख्य आरोपी था। बाकी अन्य आरोपी बनाए गए थे। पुलिस लगातार शुभम शुक्ला की तलाश कर रही थी। आज पीलीभीत के पंडरिया गांव में ही शुभम शुक्ला का शव गांव के बाहर पेड़ पर लटका मिला। इसके बाद मौके पर परिजन और पुलिस पहुंची। पुलिस शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार अवस्थी है। ये जो घटना हुई है, क्या घटना थी और आज क्या हुआ? ये बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर में कोई लड़की है, उसे होटल में मार दिया गया है। इनके ऊपर हत्या का आरोप लगा हुआ है और आज जो है पुलिस द्वारा हमें पता चला कि इनका शव जो है खेत में ग्राम पडरिया तहसील पूरनपुर में लटका हुआ पाया गया है। तो हम लोग गए, शनाख्त की और बस पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया। क्या लग रहा है आपको, लटके क्या है? अब ये तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि आत्महत्या है या हत्या की गई है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। कैसा स्वभाव था कि आत्महत्या कर सकते थे, लगता है आपको? नहीं, स्वभाव से तो लड़का अच्छा था, शादीशुदा था, उसके एक पुत्र भी था लगभग 3-4 महीने का और गांव में सबसे उसका उठना बैठना अच्छा था, लड़के का व्यवहार कुशल था। जो लड़की मरी उसको कैसे जानता था वो? इसके बारे में तो घर में किसी को भी नहीं बताया था और किसी को पता भी नहीं था उसके बारे में। कोई सुसाइड नोट भी मिला है, कुछ ऐसा है आप लोगों के पास? नहीं, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला है। रहने वाला कहाँ का था, उसी गांव में मिली डेड बॉडी? हाँ जी, ये रहने वाले ग्राम पटरिया पोस्ट पूरनपुर पीलीभीत के रहने वाले हैं और गांव से ही लगा हुआ खेत है, वहाँ पे इनकी डेड बॉडी पाई गई है। क्या गांव में आए थे, क्या घर में आए थे? ये सर घर में नहीं आए, गांव में नहीं आए हैं। हम लोग को इस बारे में क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए इसमें? पुलिस द्वारा जो भी स्पष्ट निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। बस हम यही चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। क्यों न्याय क्यों, क्या आपको लगता है कि कुछ साजिश भी हो सकती है मरने में इसके? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि साजिश हो सकती है। अब ये तो हमें पता नहीं था, क्योंकि अच्छा खासा चल रहा था, अपने परिवार के संग रह रहा था और अचानक से ये दुखद घटना हो गई है। तो हम सब लोग भी हतप्रभ हैं और सोच में हैं कि ऐसा कैसे हो गया। क्या मालूम अंदेशा है कहीं? कौन था आपके? ये मेरे सगे ममेरे साले हैं और मैं पीलीभीत में रहता हूँ। आज तड़के थाना पूरनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक का शव नीम के पेड़ पर लटका हुआ है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा एवं युवक की पहचान सोम शुक्ला पुत्र राजन शुक्ला ग्राम पड़रिया थाना पूरनपुर के तौर पर हुई। दिनांक 24/5/2024 को जनपद शाहजहांपुर के पिज्जा हब रेस्टोरेंट में युवती को दुपट्टे से गला कसकर हत्या करने का सोम शुक्ला नामजद अभियुक्त है। सोम शुक्ला के मृत्यु के कारणों को जानने के लिए पीएम एवं पंचायत नामा की कार्रवाई की जा रही है। लैंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।